फ्री में यूजफुल वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटे जैसे दिखने वाले बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आप हमारे अपडेट सबसे पहले पा सके। हे गाइस, कैसे हो सारे। मैं प्रवीण आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने दिल्ली के इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करेंगे एग्जीक्यूटिव एमबीए के बारे में। एग्जीक्यूटिव एमबीए डिफरेंट कैसे है एमबीए से। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप एग्जीक्यूटिव एमबीए कर रहे हैं तो आपको वर्क एक्सपीरियंस की जरूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी, कौन कौन से बेस्ट कॉलेजेस हैं, डिफरेंस क्या है मेन, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती है, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, इन सारी चीज़ों पर हम आज बात करेंगे। तो मेरे साथ ये वीडियो देखते रहिए। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि करियर, एजुकेशन और जॉब से रिलेटेड वीडियोज आपको सबसे पहले मिल जाए। तो एग्जीक्यूटिव एमबीए की हम बात कर रहे थे। एग्जीक्यूटिव एमबीए जो होता है वो वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए होता है। जनरली जिनके पास 4 साल से का वर्क एक्सपीरियंस है वो अपने आप को कंसिडर कर सकते हैं एग्जीक्यूटिव एमबीए के लिए। इसमें रेगुलर एमबीए की तरह नहीं होता कि आपके पास वर्क एक्सपीरियंस हो या ना हो आप एमबीए कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। एग्जीक्यूटिव एमबीए में आपके पास वर्क एक्सपीरियंस होना मैंडेटरी है। इसके अलावा मैं आपको बता दूँ, ड्यूरेशन जो है, ड्यूरेशन 1 साल का भी होता है, कॉरेस्पॉन्डेंस भी होता है, रेगुलर भी होता है 1 साल का। इसके अलावा 2 साल का भी होता है, ऑनलाइन भी होता है एग्जीक्यूटिव एमबीए। तो ये जो आप पे डिपेंड करता है, आपकी करंट सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि आप रेगुलर एग्जीक्यूटिव एमबीए 1 साल का करना चाहते हैं या आप काम करने के साथ अपना एग्जीक्यूटिव एमबीए करना चाहते हैं या फिर आप ऑनलाइन एग्जीक्यूटिव एमबीए करना चाहते हैं या आप वीकेंड्स पे एग्जीक्यूटिव एमबीए करना चाहते हैं या आप नाइट क्लासेस में एग्जीक्यूटिव एमबीए करना चाहते हैं। तो सारे ही ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं अगर आप करना चाहें तो। बट ये अगेन डिपेंड करता है लोगों के अपनी सिचुएशन पे। ये डिसीजन आप लोगों को लेना है कि आपके लिए क्या सूटेबल है। अब बात कर लेते हैं कौन कौन से एग्जाम्स देने पड़ेंगे अगर आप एग्जीक्यूटिव एमबीए करना चाहते हैं। दोस्तों, जनरली जीमैट का एग्जाम आपको देना पड़ता है फॉर मोस्ट ऑफ 20 स्कूल्स के लिए। टॉप 20 स्कूल्स की मैं बात करूँ तो आईएम अहमदाबाद हो गया, आईएम बैंगलोर हो गया, आईएसबी हैदराबाद, आईएसबी मोहाली, एसपी जैन, ग्रेट लेक्स चेन्नई, एक्सएलआरआई जमशेदपुर, ये सारे कुछ टॉप के कॉलेजेस हैं जो आपका एग्जीक्यूटिव एमबीए करवाते हैं। अगर आप पूरी लिस्ट चेक करना चाहते हैं टॉप एमबीए कॉलेजेस इंडिया के तो आप आई बटन पर क्लिक करके जान सकते हैं। इसके अलावा अगर आप अब्रॉड से करना चाहते हैं एग्जीक्यूटिव एमबीए, देखिए अब्रॉड में थोड़ी डिफरेंट है। अगर अब्रॉड से करेंगे तो आपके पास करना है तो आपके पास कम से कम 10 साल का वर्क एक्सपीरियंस मैंडेटरी है, क्योंकि अगर आप अब्रॉड से खाली एमबीए ही करते हैं तो भी आपके पास 3 से 4 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो अगर आप अब्रॉड से एग्जीक्यूटिव एमबीए करना चाहते हैं तो वर्क एक्सपीरियंस ज़्यादा चाहिए उसके लिए। टॉप के कॉलेजेस देखना चाहते हैं वर्ल्ड के तो आई बटन पर प्रेस कर सकते हैं, आप देख सकते हैं। इसके अलावा एक और मिथ है लोगों में कि एग्जीक्यूटिव एमबीए वही लोग कर सकते हैं जिनके पास एमबीए की डिग्री है। दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं है, ये बहुत गलत धारणा है लोगों की। आप एग्जीक्यूटिव एमबीए कर सकते हैं अगर आपके पास 3 से 4 साल का एक्सपीरियंस है। आपने एमबीए किया है या नहीं किया है दैट इज़ डिफरेंट थिंग। किया है तो भी आप एलिजिबल है, नहीं किया तो भी एलिजिबल है। कई कई लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने अंडर ग्रेजुएशन डिग्री पूरी की और वो जॉब करने लग गए, धीरे धीरे वो अपने स्टेप बाय स्टेप वो अपने करियर में आगे बढ़े और एक पॉइंट आया जब उनको नीड हुई कि उनके पास एक मैनेजमेंट की डिग्री एडिशनल होनी चाहिए। तो ऐसे ही लोगों के लिए जो है एग्जीक्यूटिव एमबीए बनाया गया है, तो वो लोग कर सकते हैं। जनरली लोग पसंद करते हैं कि वो अपने काम के साथ, जॉब के साथ अपना एग्जीक्यूटिव एमबीए जारी रखें ताकि उनका काम भी होता रहे, वो अपनी जॉब भी करते रहे और उनका साथ साथ एग्जीक्यूटिव एमबीए भी जो वो कर सके। तो ये आप पे डिपेंड करता है आपको कौन सा लेना है। कई लोग ऐसे भी होते हैं जो फुल टाइम 1 साल का एग्जीक्यूटिव एमबीए करते हैं। अगर आपकी सिचुएशन आपको अलाउ करती है करने के लिए कि आपको फुल टाइम 1 साल का एग्जीक्यूटिव एमबीए करना है तो आप वो भी कर सकते हैं। इसके अलावा ऑनलाइन वगैरह जो ऑप्शन मैंने बताया वो तो है ही है, वो अगेन डिपेंड करता है आपकी सिचुएशन पे। फीस के बारे में बात कर लेते हैं, फीस कितनी रहती है। जनरली अगर एक आप अच्छे कॉलेज से अपना एग्जीक्यूटिव एमबीए करते हैं तो 20 से 25 लाख रुपए का खर्च आता है इंडिया में। फॉरेन से करते हैं तो 40 से 50% खर्च को आप बढ़ा दीजिए। अलग अलग कॉलेजेस की अलग अलग फीस है। अगेन आप लोगों को क्यों करना चाहिए, देखिए दोस्तों ये आप पे डिपेंड करता है। अगर आपको नीड है कि आपको लगता है कि आपके करियर में अब आपको एक मैनेजमेंट एडिशनल मैनेजमेंट डिग्री की ज़रूरत है तो आप करिए, वरना बेकार कॉलेज से तो करने का फ़ायदा नहीं है। क्योंकि देखिए 20 से 25 लाख रुपये आप इन्वेस्ट करते हैं, इसके साथ साथ अपना टाइम इन्वेस्ट करते हैं और अगर आपकी जॉब भी अच्छी ना लगे तो क्या फ़ायदा। अगर आप एक अच्छे कॉलेज से अपना एग्जीक्यूटिव एमबीए करते हैं तो आपको डेफिनेटली अपने करंट पैकेज में 50 से 60% का हाइक मिलता है, एंड दैट इज़ मिनिमम, इतना तो मिलेगा ही मिलेगा आपको अगर आप एक अच्छे कॉलेज से करते हैं। तो दोस्तों, ये तो था एग्जीक्यूटिव एमबीए के बारे में। कॉलेजेस की लिस्ट वगैरह मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, इंडियन कॉलेजेस, बेस्ट इंडियन कॉलेजेस, बेस्ट वर्ल्ड के बेस्ट कॉलेजेस, इसके अलावा कट ऑफ वगैरह सब आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप चेक कर सकते हैं, फीस वगैरह भी चेक कर सकते हैं।
तो इसी के साथ दोस्तों ये वीडियो ख़त्म होता है यहाँ पे। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मुलाकात होगी। कोई सवाल वगैरह है कमेंट सेक्शन पे लिख के पूछ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो सके, ठीक है। इसके अलावा आप हमें फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगले वीडियो ऐसे ही वीडियो में मुलाकात होगी आप लोगों से। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।